खबर है यूपी के भदोही जिले से, जब पंचायत सामान्य निर्वाचन में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी आर्य अखोरी एवं पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने विभिन्न गांवों में विकास खंड और डीग में ग्राम जखाव, जोगीनखा व तिरंगा में चौपाल लगाकर लोगों को मतदान हेतु प्रेरित किया। वहीं जिलाधिकारी आर्य अखोरी एवं पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने गाँव के सभी लोगों से अपील की कि आप लोग किसी के प्रलोभन में ना आए तथा उनके शराब साड़ी लेकर अपने वोटों को ना बेचें। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो आपके गांव एवं क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। ऐसे लोगों का चयन ना करें कि आप लोगों को 5 साल और पछताना पड़े। उन्होंने यह भी कहा, अगर कोई ग्राम प्रधान जीत जाता है तो वे प्रधान ये ना सोचें कि अमुक व्यक्ति ने हमें वोट नहीं दिया है, तो उनका कोई भी कार्य ना करें। ऐसे लोगों के यहाँ इतना विकास करें कि वे लोग अगले चुनाव में आपको ही मत दें। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मतदान नहीं कर पाएगा। मास्क बहुत ज़रूरी है एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान करें। जिलाधिकारी आर्य अखोरी एवं पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर आश्वस्त करते हुए ग्रामीणों से कहा कि शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराए जाने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ग्रामीणों से यह भी कहा कि पंचायत चुनावों को एक त्यौहार की तरह शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने में अपना सहयोग करें। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने कहा कि किसी के बहकावे में ना आकर मतदान का प्रयोग करें। आप लोग अपने मतदान के प्रयोग एक अच्छे ग्राम प्रधान, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का चयन करें, जिससे कि आपके गांव तथा आपके क्षेत्र का विकास का कार्य पूर्ण हो सके। और अभी आप जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर होंगे, उन्होंने अपना नामांकन भी कर लिया है, उनको प्रतीक भी मिल गया है और अपना प्रचार प्रसार भी वो कर रहे होंगे। तो इस प्रचार प्रसार में कुछ बातें जो मुझे आपसे कहनी थी कि आप ध्यान रखिए, अब क्योंकि आप सब मैच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और पंचायत निर्वाचन भी अब एक सिस्टम में आ चुका है। ये 1995 से शुरू हुआ, आज हम 6वें चुनाव में हैं, तो आप समझ चुके हैं कि ग्राम प्रधान का चुनाव क्या होता है, ग्राम प्रधान बनने के बाद उसका दायित्व क्या होता है, वो क्या कर सकते। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं राम मोहन सिंह, मैं आपके जिले का पुलिस अधीक्षक हूँ और मैडम आर्य गौरी जी हमारे जिले की जिलाधिकारी हैं। हम लोग आपके यहाँ इसलिए आए हैं, आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इस समय को प्रचार भी चल रहा है। 13 तारीख की शाम तक प्रचार चलेगा और 14-15 तारीख को वोट पड़ेंगे, सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए। तो हम लोग इसलिए मीटिंग रखते हैं कि देखिए, ये चुनाव जो होता है वो बहुत टफ होता है। इसमें जो निस्वार्थी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप करते हैं कि हमारा प्रत्याशी जीत जाए या जो प्रत्याशी होता है कि हम ही जीत जाए। तो इसके लिए वो तमाम तरह की तरकीबें अपनाते हैं, लोगों को लालच देते हैं, चाहे पैसे की हो, किसी सामान की हो, साड़ी की हो, दावत खिलाने की हो और कुछ देने की हो। तो ये गलत बात है, क्योंकि देखिए, जो मतदान का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, वो संविधान ने हमें दिया है। इसलिए दिया है कि हम अपना प्रतिनिधि अपनी इच्छा से चुने जो हमारी समस्याओं को। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।